दोस्तों, मेरा नाम करण प्रवेश सिंह और आज हम मिल रहे हैं पूजन साहिल। स्वागत है पूजन। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा, यू आर वेरी यंग, थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे बताया कि आप 25 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में जहाँ पे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, आपके वीडियोज मैंने देखे, पॉलिटिकल पैरोडीज के ऊपर आपने बहुत कुछ बनाया। अक्सर सिंगर इस उम्र के अंदर या तो इसमें तेरा घाटा जैसे गाने गाते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी कविता सुनाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कवि के मार्मिक मन की दशा को दर्शाया जाता है। आप पॉलिटिकल पैरोडीज के अंदर एक यंग एज में कहते हैं, तो मेरी स्कूलिंग के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे भी मैं नुक्कड़ नाटक काफ़ी करता था। स्कूल टाइम से हमारे स्कूल में डिस्कशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता था कि मैं सेकेंडरी स्कूल से हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे हम बहुत बढ़ावा देते थे कि डिस्कशन हो सोशल सिचुएशन से, पॉलिटिकल सिचुएशन से। हमारी प्रिंसिपल कई बार ऐसे करती थी कि असेंबली में क्वेश्चन पूछ लिया जो आजकल हैपनिंग हो रही है उनके ऊपर कि आज कुछ ऐसा हुआ इसके बारे में मुझे कुछ बताओ क्या रहा है, और अब मतलब इसका आंसर दो, फैक्ट चेक का भी, और तुमने सुबह तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा स्कूल आने से पहले, जिसको पता होता तो उसके ट्राइज में जाता था तुम्हारी आइसक्रीम हो गई है। तो हमारे में बढ़ावा था, तो इंक्लिनेशन उस तरफ से थी, और ये था कि मतलब वो नहीं करना, मतलब लीक से कुछ हटके करना था। मतलब मुझे था कि मुझे ऐसा फील हो कि मैंने कुछ नया दिया लोगों को, देख मेरा एक एक वॉइड हो जो मैं फिल करता हूँ। तो गिटार जब उठाया तो खाली एक उस वॉइड को कंप्लीट करने के लिए, दैट यू वर ऑलरेडी बिकमिंग अ सिंगर, और किसी और के ऊपर डिपेंडेबल ना होना पड़े गिटार बजाने के लिए, एक साउंड देने के लिए, क्या वही एक रीजन था या कभी वो एक दूसरा रीजन भी था, कहीं से कोई छुपा हुआ पन्ना या गुलाब आपकी डायरी में भी है जिसकी वजह से गिटार उठा हो या गाना शुरू किया? नहीं, गाना तो बहुत बचपन से शुरू हो गया था। गिटार मैं जैसे अपने रॉकस्टार देखिए, रॉकस्टार के अंदर जो जो जनार्दन जाकर जब स्टार्टिंग में जिस तरह से गिटार बजाता है ना, उसको बोलता है कि रॉकस्टार बन के बजा तू, पर वो ऐसे बड़ा दुबक के उसको स्टाइल नहीं आता था। मुझे स्टाइल नहीं आता गिटार बजाने का, जो रॉकस्टार का स्टाइल होता है ना कि पैर यहाँ रख के और मैं एकदम फुल फ्लो में बजाऊं, तो मैं क्योंकि मतलब एमेचोरिस्टली बजाता हूँ थोड़ा बहुत जितना बजाता हूँ, इतना कोई प्रो वो भी नहीं है, तो वो मैं उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया कि लोग देखें कि देखो कोई गिटार बजा रहा है वो इम्प्रेसिव लगे। ओके, 23 मई को इलेक्शन थे, रिजल्ट आया और सरकार आई, ठीक है। इससे पहले के जो मैक्सिमम आपकी पॉलिटिकल पैरोडीज थी, आपको जाना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को कटाक्ष करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज पर कटाक्ष करता है तो वो सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर जब आप ये करने लगे तो कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ या परिवार वालों ने नहीं रोका कि आप गलत जा रहे हैं, इसका नुकसान हो सकता है, या कभी आपके किसी ऐसे वीडियो के ऊपर आपको अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, थ्रेट्स मिले हैं? हाँ, रेगुलरली होता है मतलब, और मैं सही बोलूँ तो मैं कई बार लुक फॉरवर्ड करता हूँ, मैं वीडियो डालूँ तो मैं चेक करता हूँ कि इसमें कमेंट सेक्शन में, फिर मैं जब मैं जाता हूँ तो स्टार्टिंग में कमेंट सेक्शन में अच्छी चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो उन लोगों के कमेंट्स होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन भी दबाया हुआ है कि उनको पता चल गया कि मेरा वीडियो है, तो वो मोस्टली सपोर्टर्स होते हैं। पर उसके बाद जब कमेंट्स बुरे आने शुरू होते हैं, जब गालियाँ आनी शुरू होती है कमेंट्स, तब देयर इज आल्सो सम स्मॉल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ पहुँचा, बिकॉज ये चीज हम काफी बार से करते आए हैं जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, कि हम अपने आप को रिएफर्मेशन देते रहते हैं कि देखो हम सही हैं, हम सही बात बोलते हैं, और हमारे ही समर्थक हम बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पर द पॉइंट इज कि जब ऐसे कंटेंट बाहर आता है तो ये उन तक भी पहुंचना चाहिए जो इंट्रोस्पेक्ट करें इसके बारे में कि अच्छा क्या बात बोली है, क्यों बात बोल दी इसने, ऑफेंस लें, ऑफेंस अगर कोई इंसान देता है तो समवेयर वो ऐसे बीच में अपने आप के बारे में सोच भी रहा है कि हाँ क्यों मैं ऑफेंस ले रहा हूँ, वो सच्चाई का आईना कुछ पल के लिए इंसान देखता है, कुछ पल के लिए, इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड अगर उसने देखा जी, तो वो आईना मुझे पता चलता है कि उसने तब देखा जब उसने मुझे गाली दी कमेंट में, या कोई बुरी बात बोली, या बोला कि तू ऐसा है तू वैसा है, तो वो मैं कई बार उसको लुक फॉरवर्ड करता हूँ, बट स्टिल बीच में थ्रेट्स आते हैं, इन द सेंस की इतने कोई नेक्स्ट लेवल सेट कि वही मतलब वरुण ग्रोवर की लाइन है कि मैं लाइन बहुत पीछे हो गई, कुणाल कमरा की वीडियो दिखाएंगे तो मैं तो पहले वरुण ग्रोवर, कुणाल कमरा बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उस वो लाइन में बहुत पहले, मुझे तो मुझे लगता है मैं प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हूँ उनकी, इसलिए कोई
जानलेवा थ्रेट इससे नहीं आए अभी। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट चलती थी कि 2018 में 150 से ज़्यादा ऐसे केसेस दर्ज हुए थे जहाँ पे इंसान ने अपने मन की बात उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जाहिर की और उसके ऊपर एक केस फाइल हुआ जिसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या समुदाय के लोगों को उस बात ने आहत किया और काफ़ी लोगों को उसके पीछे परेशानियाँ झेलनी पड़ी है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने कहा कि कान पकड़ के सुने? घर वाले परेशान जिसे हो जाते हैं घर वालों को, पर मुझे लगता है मेरे घर वाले सरप्राइजिंगली मैं इतना नहीं मतलब होंगे कि इतने ब्रेव मतलब क्योंकि कोई इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कभी इतना कोई कनेक्टेड नहीं रहा किसी भी ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग से, मतलब एक्टिव वोटर्स रहे हैं दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट टू बी इन द पॉलिटिकल सिनेरियो, पर मतलब इतना कोई वायलेंट बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे लगता था कि उनको बहुत होगी, बट मुझे लगता है वो समझते हैं। तो सवाल खड़ा करना, तथ्य को जानना, फैक्ट चेक, ये चीज़ें तो आपने बताया कि आपने स्कूल लेवल से शुरू हुई, पर जितने भी आपके वीडियोज हैं वो मैक्सिमम राजनीति से ही रिलेटेड हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं जो बाकी मुद्दों को भी उठाते हैं। समाज में बहुत सारी अभी ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे रीसेंट वाटर क्राइसिस की अगर हम बात करें तो अगले आने वाले समय के अंदर 40% ऑफ इंडिया विल बी वाटर लेस। ठीक है, ई वेस्ट की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो अभी 5वें क्रम पर है ई वेस्ट प्रोड्यूस करने में, विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। तो खाली पॉलिटिकल एक इंटरेस्ट से जनरेट हुआ ये, क्या खुद का एक सेल्फ बिल्डअप हालात को देख के था, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्तित्व ऐसे शख्स के संपर्क में आते हैं जो हमें एक अनदेखा पहलू दिखाता है चीज़ों का? हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, आई मीन व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू फर्स्ट रिलीज योर फर्स्ट पॉलिटिकल पैरोडी? क्या क्या सोच के वो ऐसा कदम उठाया था? लाइक वेयर इट ऑल स्टार्टेड, वो था पहला था नीरव मोदी का जो केस, हाँ तो वो आउट एंड आउट इतना पॉलिटिकल नहीं था कि मतलब टेक्निकली किसी पार्टी के अगेंस्ट ऐसा बिल्कुल था, बट स्टिल पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि तुमने ऐसे कैसे जाने दिया। उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, एक रात को गाना दिमाग में आया और लिख दिया, शूट भी मतलब शूट नहीं किया उसको, वो गाना बस रिकॉर्डेड है गंदे से फोन माइक से रिकॉर्ड किया और बस एक नीरव मोदी के फोटो के बीच लिरिक्स आते हैं उस वीडियो के अंदर। आज से मेरे सारे कर्जे तेरे हो गए, आज से मेरा लोन तेरा हो गया। सेकंड वाला एक क्योंकि मैं टीचर हूँ तो सेकंड वाला एक वो टाइम चल रहा था जब नीरव मोदी के फरवरी में हुआ था, मेरा ख्याल फरवरी के टाइम पे वो गाना आया था और उसके बाद थोड़े टाइम तक समझा कि क्या करूँ, कैटेगराइज करने की कोशिश करी, पर जब फिर उस टाइम पर रियलाइज किया कि अगर मैं बहुत फोर्स करूँगा, अगर मैं बहुत फोर्स करूँ कि इस चीज़ बनाना हो ढूंढूँ कि क्या चीज़ पर बनाने की ये गाना, तो ऐसे नहीं हो पा रहा था। उस टाइम पर मैं अपनी रिदम पकड़ रहा था, तो उसके बाद अगला गाना था जो कि एग्जाम सिचुएशन, गाने का नाम है एग्जाम दी गल्ला, तो दिल दिया गल्ला के ऊपर एग्जाम वाली जो सिचुएशन है, कट ऑफ की सिचुएशन जो है। राता कालियां कालियां कालियों में जागे हम बावरे, डूबे गालियों 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 में खाए बादाम, ये रेनॉल्ड्स के नए पेन भी ना चले सर पे जब एग्जाम पड़े। ये बड़ी मतलब अजीब बात लगती थी मुझे और मेरे स्टूडेंट्स भी, जब मेरी को इंटरेक्शन होती थी उनको बहुत अजीब लगता था कि हमारे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी हमारी ये बिलीफ है कि हम थ्रू आउट द ईयर की एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट को तुम एक इंस्टेंट से नहीं नाप सकते, और उसको नापने के लिए और उसको समझने के लिए तुम्हें एक पूरा कोर्स समझने की जरूरी है और पूरी उसकी जर्नी समझने की बहुत जरूरी है। तो उस जर्नी को हम 3 घंटे और कुछ कागज के टुकड़ों में उसको समेट दें और बोले कि ये है तुम्हारा मोल तुम्हारी 12 साल की पढ़ाई का, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उस बात के अराउंड वो गाना था,
क्या हम ये समझे कि आने वाले भविष्य के अंदर आप पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाले हैं, या सिर्फ आप अपनी बात को एक यूट्यूब के माध्यम से रखना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकली एक्टिव तो हूँ, है ना, मतलब वोटर हूँ और मतलब कोशिश करता हूँ लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, समझाया जाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, मतलब जितने भी अपने लेवल पर जितनी बात अपनी सामने रख सकता हूँ मैं रखने की कोशिश करता हूँ, और उस लेवल पे तो मैं एक्टिव हूँ। अब और कितने लेवल पे हो सकता हूँ उसका कोई खास प्लान नहीं है, मतलब मैं मेरे मतलब अंदर ऐसा नहीं है। आगे का क्या प्लान? आगे का प्लान यही है कि फिलहाल तो एजुकेशन के तरफ और काम करना है, एजुकेशन के सेक्टर में कुछ ऐसी मैं सिचुएशन पे पहुंच पाऊँ जहाँ पे आइडिएशन कर पाऊँ, जहाँ पे डिसीजन लिए जा सकते हैं। और आगे के प्लान यही है कि बस बेसिकली स्ट्रगल जारी रखना है। अभी काफ़ी मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत ही इमीडिएट प्लान से काम है। ओके, तो अभी इमीडिएट प्लान मेजर ये है कि जो ये हेट्रेड का माहौल है थ्रू आउट द कंट्री, जो एकदम नफरत वाला जो एक पूरा एक माहौल पैदा किया हुआ है और उससे मुद्दों को जो छुपाया जा रहा है और जो बहुत बातें काफ़ी टाइम से चल रही हैं उससे उसकी तरफ काम करना है, ये हेट्रेड हटाने की तरफ काम करना है। ये बात तो ये मुझे अभी क्लियर है। और ऐसे रिएक्शन थे दोस्तों की जब बोले, मतलब ऐसा होता है ना कि मान लीजिए मैं आपके साथ 9th या 10th में, हाँ ठीक है, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद आपसे मिला तो मैंने देखा कि अब आप यूट्यूब पे आते हैं, शेयर करते हैं, तो क्या रिएक्शन था? ऐसे कुछ दोस्त मिले हैं? हाँ, मतलब जैसे जो मेरे रेगुलर दोस्त हैं वो तो कहते हैं कि क्योंकि जेल जाएगा हम पुराने नहीं आएंगे, उनसे पता है। हम हैशटैग डालेंगे आई स्टैंड विद द पुलिस। पूजन, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो युवा कलाकार होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप तो लगभग 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है कहीं ना कहीं एक्टिवली नॉन इनएक्टिवली इस एक सोच को डेवलप करते हुए, फिर इसे प्रेजेंट करते हुए, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। आप उन्हें क्या व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव अभी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा सफर आपने तय किया है, लेकिन सीख जो है वो हर पड़ाव पे मिलती है। आप लोगों के साथ, आप अपने फॉलोअर्स के साथ क्या मैसेज? मैं जब भी मेरी बात भी होती है किसी मतलब फॉलोअर का मुझे पता नहीं है, जैसे ये 2-3 बहुत सारे लोग हैं जो देखिए आप सही बोल रहे हैं, मतलब मैं समझा। हाँ, आपको टेक्निकल टर्म्स में भी जो आपके वीडियोस को देखते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो शायद ये सोचेंगे कि यार अगली बार कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना गिटार मुझे बजाना आता है, मैं भी एक पैरोडी बना देता हूँ, मैं भी कल को मैं भी। हर किसी को सिर्फ जो आज सामने है वो दिखाई देता है, वो कैसे बना है कई बार वो दिखाई देता है, और उसी आज की चाह में कई बार वो अपना काफी समय जाया कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कितने ही लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे और अपना करियर छोड़ के उस लाइन में घुसे और फिर वापस आ सकता है। इनिशियली मैं मतलब हुआ मैंने मतलब कौन कौन सुनना चाहता हूँ मेरी बात, मतलब क्या क्रेडिबिलिटी है मेरी बात, पर धीरे धीरे ये होता है कि अगर किसी जान पहचान की मेलेडी पे कोई बात बोली जाती है और वो बोली जाती है, तो आजकल हमारा मोटिव ये है कि हम लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते जब पॉप में, लिरिक्स मतलब कुछ भी लिरिक्स आ रहे हैं तो है ना कि बम पम टम 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 वो टम टम का बटन शर्ट का बटन हो गया इसमें, मतलब अच्छा सब अब कुछ शब्द भी नहीं है, वो ऐसे जिब्रिश बोल के गाने बनते, तो वो तो बन ही रहा, तो लिरिक्स में हमारा ध्यान ज्यादा जाता नहीं है, अब काफी रेयरली होता है कि हम लिरिक्स पे ध्यान देते, तो मेलेडी जो है प्रोमिनेंट हो गई है, मेलेडी अच्छी हो, हुक वाली ट्यून अच्छी हो और वो याद रह जाती है, तो जब पॉपुलर ट्यून ऑलरेडी है, मेलेडी ऑलरेडी पॉपुलर है, तो जब कोई बात मेरी सुने और मेरा गाना सुने तो उसका फोकस बात पे जाए, तो ये मेरा बहुत जरूरी था कि एक हैबिट बनाई जाए, जब मेरा कंटेंट सुनो तो तुम्हें पता हो कि द फोकल पॉइंट इज द थिंग दैट आई एम सेइंग, जो मैं बोल रहा हूँ जो मेरे लिरिक्स है वो मेरा फोकल पॉइंट है, कहाँ पे मैक्सिमम ध्यान देना है, विजुअल क्या है, मेलेडी क्या है और सुर कैसे लग रहे हैं, वो उसके बाद आते हैं सारी, तो वो मेरा ध्यान हमेशा से था।
तो दैट समथिंग मैंने हमेशा से दिमाग में बात रखी है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ वो बहुत मैटर करेगा. उसके बाद द वे टू प्रेजेंट इट, जैसे मुझे कई बार एक दो तीन लोग भेजते हैं वीडियोस, पर यह है कि वो जबरदस्ती ना लगे कि मैंने फिट कर दिया बस इस बात को गाने के अंदर, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है. जब जब अच्छा नहीं साउंड करता, जब वो गाना साउंड नहीं करता, लगता है स्पीच है पर मैं ट्यून में उस स्पीच को गा रहा हूँ, तो वो बात नहीं फिट होती. वो उसका तुकबंदी कैसी हो, वो मीटर में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, वो किस तरीके से गाया जा रहा है, मतलब कानों को बुरा ना लगे जब वो सुनाएंगे. मतलब मैं कोई बढ़िया सुरीला सिंगर नहीं हूँ, पर ऐसा ना हो कि सुना ही ना जाए कि मतलब ऐसे सुर लग जाए, मतलब दिनचर्या पूजा नहीं बनना तुम्हें गाने खाते. यानी अगर मैं संक्षेप में इस बात को कहूँ तो गायकी जो है वो आपके लिए एक प्रोफेशनल पेशा नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी बात को ऑडियंस तक लेकर जाते. ये बात तो हमेशा से मुझे क्लियर है कि एक इट्स अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मोड वो तो पक्की बात है. और मेरी गायकी कोई मतलब मैं कोई क्लासिकली ट्रेंड सिंगर भी नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि मेरे गायकी की स्किल सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, पर हाँ मतलब मैं प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत गायकी मतलब मुझे दिख रहा है कि अब मतलब ऐसे फीलिंग आती है कि पैसे के बांधे पड़ रहे हैं घर के अंदर भी. ये सब तो नहीं है, यूट्यूब से कुछ पैसा तो आता नहीं है जी जी, तो अब दिखता है कि चलो कुछ ऐसा कोशिश ही है कि कैफेज वगैरह मुझे बुलाएं, पर कैफेज नहीं चाहते कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ. कौन सा कैफे चाहेगा कि वहाँ पे लोग डिनर करने आए हैं और पॉलिटिकल मतलब हाँ वहाँ पे जाके मैं गा रहा हूँ कि मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया है और लिंचिंग हो रही है. आप इससे जो आप कर रहे हैं इससे आपकी मानसिक संतुष्टि तो आती है, पर आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब पैसे ना आए तो आप ऑल्टरनेटिव की तरफ देखते हैं, तो क्या उसी के लिए आप एजुकेशन सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं या एज ए प्रोफेशनली आप अपने आप को कहाँ सेट करना चाह रहे हैं? मुझे ये ना मैं एक मेरी एक थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये थोड़ा जो ये जो एक लोगों का एक तरीका है कि काफी बार हम सबका ना एक काफी टाइम से ये होता है कि हमें सिखाया भी जाता है कि जॉब जॉब है और हॉबी हॉबी है. तुम 5 दिन जॉब करो 2 दिन अपनी जिंदगी जी लेंगे. पर मुझे मैं हमेशा से ये बात तय करी थी कि मैं किसी तरह से ऐसे हैंडल करूँ अपने आप को, यही मेरी जो भी मैं करूँगा वो मेरे इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, मेरी लाइफ, मैं जो भी करूँ वो जॉब कह लो उसको या हॉबी कह लो उसको, मतलब हो सकता है मेरी जॉब भी मेरी हॉबी है और ये भी मेरी हॉबी है, मेरी जॉब भी मेरी जॉब है और ये भी मेरी जॉब है, तो वो सब मैं साथ में करना चाहता हूँ. पर ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज की जरूरत है बाय फाइनेंशियल कंडीशन की जिससे रेगुलर पैसे आए घर पे और रोटी कपड़ा मकान चलता रहे तो चाहिए. इसके बिना तो मतलब आवाज नहीं निकलेगी गले से, गाया था भी नहीं गाया जाएगा, तो वो तो जरूरी है ही. तो उसके लिए टू सम एक्सटेंट टीचिंग है, पर मतलब ये तो हम सब जानते हैं कि टीचर्स को कितना ही पैसा मिलता है हमारे सिस्टम के अंदर, कितने अंडर पेड होते हैं हमारे टीचर और कितने होने चाहिए नहीं होते. मतलब मैं बीइंग अ टीचर ऐसे मैं नहीं बोलना चाहता कि वी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, पर मतलब मुझे लगता है कि हमें ऐसा तो ना हो कि टीचर टीचिंग छोड़ दे क्योंकि उससे गुजारा नहीं चल पा रहा उसने पैसे, तो ये काफी बार होता है ये काफी होता है, गुजारा नहीं चल रहा. ध्रुवीकरण हो चुका है देखिए एजुकेशन का भी. अगर आप उन टीचर्स की बात करेंगे जो अच्छे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग दे देते हुए अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं, और जहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है जहाँ पे बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारी जो शिक्षक वर्ग है वो आज भी कम है, उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जिससे वो अपने सारे फोकस उन बच्चों के पूर्ण विकास के ऊपर लगा सके. तो हाँ मैं आपकी इस बात के साक्ष्य रखता हूँ और मैं भी ये मानता हूँ कि एजुकेशन खासकर प्राइमरी एजुकेशन एक ऐसा विषय है हिंदुस्तान में जिससे ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है. एंड वी आर हैप्पी कि आप जैसे लोग एक ओपन माइंडेड लोग आ रहे हैं जो उस बात को हर पहलू से डिस्कस करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें करने की जरूरत है एजुकेशन के लिए. बेटा किसी को विराट कोहली बनकर बैट से मारता है और उसके छूट रहे पर उसको मालाएं पहनाई जाती हैं और हवा में गोलियां चलाई जाती हैं, क्योंकि देखिए मैसेज क्या है, वो मैसेज जानना समझना उसके बारे में डिस्कशन करना उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना, वो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम सब सीखते हैं. हाँ बिल्कुल, हम सबके लिए डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी नई चीज है. मतलब हम मोस्टली जो अभी
ज्यादातर एक्टिव हैं हम, मतलब द पीपल जो अभी मतलब 20 अबव वाले पीपल हैं, हम वाली जनरेशन है जिन्होंने जो पैदा नहीं हुए टेक्नोलॉजी के साथ, उन्होंने अपनी ग्रोइंग एज के अंदर टेक्नोलॉजी सीखी है, तो हमारी जीन्स में टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे से आगे वाली आने वाली जनरेशन की जीन्स में टेक्नोलॉजी है जी, पैदा होते ही उनको पता है कि फ्लैपी बर्ड कैसे थे, पर हमें नहीं पता था, तो हम सीख रहे हैं, हम सब ऐसा सीख रहे हैं, ये बात मुझे लगता है सीखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये थे पूजन साहिल हमारे साथ, आप इनके YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि अगली बार जब ये अपना नया वीडियो डालें, और उस वीडियो को देखते हुए जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था, इनका जो तात्पर्य एक वीडियो डालने का होता है, ये अपनी बात उस वीडियो के माध्यम से या उस पैरोडी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना था, उस बात का मतलब समझिए। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ये बात कही है कि ट्राई एंड रीड बिटवीन द लाइन, अगर कोई इंफॉर्मेशन आप डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके मतलब को समझिए। अभी यहाँ पे वीडियो में नीचे इनके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चैनल का लिंक होगा, प्लीज गो देयर, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू प्रेस ऑन द बेल आइकन। नेक्स्ट टाइम पूजन विल बी लाइव ऑन यूट्यूब विद अ न्यू वीडियो, वी विश टू सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू।